नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जो सभी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर है, जो पेंशन भोगी है, उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, उन सब के लिए पेंशन बढ़ोतरी पर जो वित्त मंत्रालय का फैसला आया है, उसको लेकर बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आई हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी चुके होंगे कि जो पेंशन धारक हैं उनके लिए आवश्यक एक सूचना है। पेंशन बढ़ोतरी पर वित्त मंत्रालय का, श्रम मंत्रालय का जो फैसला है वो आ चुका है कि जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम इसको इस वीडियो में डिटेल से आपको बताते हैं जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ जवाब आया है, क्या कुछ फैसला आया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का इंतजार कर रहे देश के 65 लाख से ज़्यादा जो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए श्रम मंत्रालय की ओर से पेंशन वृद्धि को लेकर आया जवाब। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ईपीएस 95 जो पेंशन धारक अपने जो न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए वर्ष 2012 और 13 से संघर्ष करते आ रहे हैं, और अब जो वर्ष 2021 आ चुका है, लेकिन इन जो वृद्ध पेंशन धारकों की मांग अभी भी वही की वही अटकी हुई है, उनको लेकर कोई भी फैसला नहीं दिया जा रहा। हाल ही में श्रम मंत्रालय की ओर से जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री संतोष कुमार जो गवाकर ने अपने एक जो प्रपत्र में ईपीएस 95 जो पेंशन वृद्धि के संबंध में माननीय सांसद जो इलाम राम करीब जी के सवाल का जवाब देते हुए पेंशन वृद्धि के बारे में हो रही प्रक्रिया को बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें क्या कुछ कहा गया है, इसमें देखिए दोस्तों, जो सांसद है इलाम राम करीब जी के द्वारा राज्यसभा में सुनने के दौरान 18/9/2020 को जो भविष्य निधि पेंशन धारक हैं पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और सरकार के फैसले को लागू करने का आग्रह करने पर जो उठाए गए विषय पर उल्लेख जो श्रम मंत्री जी अपने पत्र दिनांक 10/12/2020 में किया गया था। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो इसमें कहा गया था कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस मंत्रालय में कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन के परामर्श से उठाए गए मुद्दों की जांच की जाए। जैसे कि ईपीएस 95 है जो 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन जो वृद्धि की मांग के संबंध में यह सूचित किया गया है कि मेरे जो मंत्रालय ने ईपीएस जो 95 है दोस्तों 1995 के तहत जो न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का मुद्दा उठाया है, वह जो विभाग है वित्त मंत्रालय के 7/2018 से आगे 9/9/2020 को जो सचिव है श्रम मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है दोस्तों, और इस विषय जो विषय है इस पर जो आवश्यक निर्णय भी लिए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा हमारा, जैसे कि माननीय न्यायाधीश है न्यायालय के जो फैसले को लागू करने की मांग के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि जो यह मामला है माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, और चूंकि मामला वर्तमान के उप न्यायिक है इसलिए इस मामले को अदालत की जो कार्रवाई को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट जो ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर जो लाखों लोग जो इसका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए था, जो पेंशन वृद्धि को श्रम मंत्रालय की ओर से जो जवाब आया है, फैसला आया है उसको लेकर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।